Assalamu alaikum guys, this is Zaheer Khan, an English language instructor. I'm teaching at IQ in Shah Faisal. It is the best center and we teach language. So we keep on thinking about English, how to make it better. We think about it, how to make our English better. But we don't take any steps. Actually, we are problem oriented, not the solution oriented. हम जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते हैं। I would like to share one story with you. मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना पसंद करूंगा। वो स्टोरी ये है कि एक शख्स अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा था, तो वो बहुत स्पीड से जा रहा था अपनी गाड़ी में। तो रास्ते में वो एक जगह पे पहुंचा, वहां पे ब्रिज था। जैसे ही वो ब्रिज पे पहुंचा तो ही गॉट अ फ्लैट टायर, तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब वो अपनी गाड़ी से उतरा और उसने उतर के टायर को रिमूव किया और उसने नट्स खोले, फिर नट्स खोल के पीछे रखे, फिर टायर खोला और पीछे रखे, रखने लगा। वो जो नट्स थे, वो जो उसने नट्स खोले थे और अपने पीछे रखे थे, वो नट्स नीचे दरिया में गिर गए। तो वो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या होगा। वो जो जगह थी इट वॉज़ नॉट पॉपुलेटेड, तो वो वहाँ पर बैठ के सोच रहा था अब क्या किया जाए। तो वहाँ पे एक बूढ़े से बाबा अपीयर हुए। तो जब इसने उस बाबे को देखा तो इसको इसके चेहरे पे स्माइल आई कि शायद या ही इज़ द पर्सन इज़ लाइक एन एंजल हु इज़ गोइंग टू हेल्प मी, कोई शख्स आ गया मेरी हेल्प के लिए। तो लेकिन जब उसने देखा वो बाबा खुद बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, ही सीम्ड मिजरेबल, तो उसने सोचा ये बाबा मेरी क्या हेल्प करेंगे, ये भी मुझे ही इनको लेके जाना पड़ेगा, ये भी मेरी तरह प्रॉब्लम है। तो उसने सोचा मुझे बाबा से बात नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ही देर में वो बाबा खुद ही इसके पास चल के आ गए और बाबा ने इनसे आके कहा हाउ मे हेल्प यू, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो इसने कहा बाबा जी मेरे जो गाड़ी है उसका टायर पंचर हो गया, तो यहाँ पे कोई शॉप नहीं है, कोई घर नहीं है, व्हाट टू डू, क्या करूँ। तो बाबा ने कहा कि यहाँ से आगे 20 किलोमीटर के फासले पे एक शॉप है, सो यू हैव टू गेट इट फिक्स्ड फ्रॉम देयर, तो आप वहाँ से जाके इसको ठीक करवा लो। तो उसने कहा बाबा जी ये तो एक सेकंड आगे नहीं जा सकती, 20 किलोमीटर तो बहुत दूर है। तो उस पर बाबा ने कहा बेटा आपका मसला क्या है। तो उसने कहा बाबा जी ये जो इस टायर के ऊपर नट्स होते हैं तो वो नीचे दरिया में गिर गए हैं, नाउ व्हाट टू डू। तो बाबा ने कहा बेटा ये तो मसला ही नहीं है, आप दूसरे टायरों से एक एक नट खोल के इसके ऊपर लगा दो और आराम आराम से आगे जाओ। तो ये बात सुन के हैरान हो गया और इसने कहा बाबा जी ये आपके जहन में बात आई कैसे। तो बाबा जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बाबा ने कहा जिस लम्हे में बैठ के आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे उसी लम्हे में मैं आपकी सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा था। तो हमारे साथ भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है, हम सारी ज़िंदगी बैठ के अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, हम कभी अपने सॉल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते रहते हैं इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, हम कभी सॉल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं। तो अगर कायद अजम मुसलमानों की प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते तो पाकिस्तान बनता नहीं, पाकिस्तान कभी नहीं बनता। तो वो जो सारे वहाँ पे लोग थे, सारे मुस्लिम थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, तो उन्होंने सॉल्यूशन के बारे में सोचा, तो दे गॉट अ कंट्री। सो वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन ऑर्डर टू हैव समथिंग बेटर इन आवर लाइफ। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। तो ये आप नहीं सोचें कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। So you have to be solution oriented. You have a place to learn something. आपके पास जगह है सीखने के लिए. So you should make the right choice. तो आपने अच्छी choice बनानी है. ये choice ही है जिसकी वजह से I can speak good English. I've been teaching for a very long time. तो ये English सीखना मेरी एक क्या थी, मेरी choice थी. और इस choice मुझे ये लेके वहाँ से यहाँ तक आ गई. I want you to make a right choice. तो मैं चाहता हूँ आप भी right choice बनाएं ताकि you will have good future. Good career. Don't waste your time. I want you to make your English better and come over the fear of public speaking. हम सोचते रहते हैं कैसे किसी से बात करूँ, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर ये नहीं है। असल में कॉन्फिडेंस होता क्या है, कॉन्फिडेंस नॉलेज होता है। इफ यू हैव नॉलेज यू विल फेस द पीपल, यू विल फेस द ऑडियंस। तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, बाकी सारे मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं और मुझसे ज़्यादा लंबे अरसे से पढ़ा रहे हैं वो। सो you will be taught really well and you will enjoy. We not only teach language, we also teach computer, we teach public speaking. You have public speaking here,
You have IELTS here, you have computer courses here, so many computer courses. And apart from this, we have conversation hall where you can sit together. Yahan pe aap ikatthe baithenge and you can have a conversation. You can speak to each other. So there are different ways, a lot of ways, and we are going to help you. We do have instructor there in conversation hall who always helps you in order to make your English better. Don't waste your time. Join us right now. Allah Hafiz.